गुड मॉर्निंग सीमा। सब लेट है आज? गुड मॉर्निंग गगन। आज तो सभी बहुत लेट लेट है। गुड मॉर्निंग संदीप। चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आते रहेंगे जिसको आना है, ठीक है? गगन, अपना टॉपिक जो था वो था अपना कंसिडरेशन, आई थिंक लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कंसिडरेशन। गुड मॉर्निंग यशराज। ठीक है, तो लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कंसिडरेशन की अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले कंसिडरेशन के बारे में अगर बेसिक्स अपन पढ़े तो कंसिडरेशन के बारे में जो आपकी बुक कह रही है वो बुक ये कह रही कि सबसे पहले अपन समथिंग इन रिटर्न, एक छोटा सा वर्ड जो अपन यूज करते हैं वो है कंसिडरेशन। ठीक है, अब कंसिडरेशन में ये है कि भी दोनों पर्संस, जिसके अंदर एक प्रोमिसर और एक प्रोमिजी, गुड मॉर्निंग अमन, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिजी, ठीक है, दोनों की पार्टी जब वर्क कर रही है तो यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों के लिए इंडिविजुअल क्या बनेगा, कंसिडरेशन जरूरी होता है। मतलब प्रोमिसर के लिए भी यहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी है, जबकि प्रोमिसी के लिए भी यहाँ पे कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी यहाँ पे कंसिडरेशन की फॉर्म में रहेगी तो अपन उसको कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन इज द प्राइज फॉर विच द प्रोमिसर इज अदर इज बॉट। क्या बोला गया है भाई? कंसिडरेशन का अपन वो फॉर्म कह सकते हैं जिसमें एक दूसरे के प्रोमिसेस को परचेज करने की बात कही गई है। यही तो अपन ने पीछे पढ़ा था। इसके अलावा जब अपन कंसिडरेशन की और भी बातें करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे एक गाड़ी खरीदने का एक एग्रीमेंट करा है, ठीक है, बदले में ये हुआ है कि भी 1 लाख में मैं आपको गाड़ी मैं आपकी गाड़ी है वो परचेज कर रही हूँ, ठीक है, तो 1 लाख आपके लिए कंसिडरेशन है, जबकि वो कार, ठीक है, जो भी गाड़ी मैंने लेने की बात कही है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। गुड मॉर्निंग वंशिका। अब इसके अलावा आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक कह रही है एक अजीब सी थोड़ी सी मतलब डेफिनेशन दे रखी है जो कि मैं आपको इग्नोर ही करूंगी, वो मैं समझा नहीं रही, इससे रिलेटेड कुछ आता भी नहीं है, जिसमें बहुत बड़ी सी एक डेफिनेशन दे रखी है। आप देखेंगे तो कि प्रोफेसर ब्लैकस्टोन एक डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ ए प्रोमिसर, सिर्फ आपको बता रही हूँ मैं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ ए प्रोमिसर प्रोमिजी और अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब करना कर रहा है या करने का एक प्रॉमिस कर रहा है, इस तरीके की डेफिनेशन दे रखी है जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी है, वो आप इग्नोर कर देंगे। उसके बाद जब अपन थोड़े से आगे चलते हैं तो ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन क्या कह रहे हैं? ये कंसिडरेशन जैसे कि मैंने अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स कंसिडरेशन से रिलेटेड रिगार्डिंग पढ़े थे, उसमें अपन ने एक चीज देखी थी, कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में हो, कंसिडरेशन फ्यूचर से रिलेटेड भी अपन थोड़ा बहुत ड्यू
रख सकते हैं। तो तीनों चीजें आ सकती हैं कि पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, और फ्यूचर के रिलेटेड भी हो सकता है। तो तीनों चीजें कंसिडरेशन में अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंसिडरेशन से रिलेटेड बहुत सारे मतलब लीगल एलिमेंट्स वगैरह इनमें दे रखे हैं। गुड मॉर्निंग दिशा, जो कि अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या कह रखा है भाई, सबसे पहले आपकी बुक कह रही है कि इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ ए प्रोमिसर, ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। क्या कह रखा है कि जो भी कंसिडरेशन हो वो प्रोमिसर की मतलब जो भी प्रोमिसर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रखा है कि जो भी एक डिजायर्ड कंसिडरेशन अपन ने रखा है, या जिस कंसिडरेशन की अपन ने बात की है, जिस कंसिडरेशन फॉर्म की अपन ने बात करी है, सबसे पहले वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे तो दोनों पार्टी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर इसमें अगर सबसे पहले अपन उसकी बात करें कि जिसके अकॉर्डिंग ये कंसिडरेशन होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ये कंसिडरेशन जाना चाहिए, वो पार्टी कौन कौन सी है, वो है प्रोमिसर। क्योंकि प्रोमिसर ही एक ऐसा पर्सन है जिसने प्रोमिसी के सामने उस तरीके की एग्रीमेंट को रखा था, ठीक है। जिन्होंने क्या करा था भाई, एक प्रोमिस भी दिया है, साथ ही साथ एक प्रोमिसर की फॉर्म यहाँ पे क्या कहलाएगी, प्रोमिसर का रोल यहाँ पे ये है कि एक प्रोमिसर ने यहाँ पे एग्रीमेंट रखने की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन फॉर्म है डिसाइड होगा किसके अकॉर्डिंग, प्रोमिसर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑनर है, ठीक है, एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक ऑनर है, उन्होंने कोई भी टीचर को एज अ टीचर कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अपने स्कूल या अपनी अकेडमी में अपॉइंट करा है, ठीक है। अब मान लीजिए जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने उस टीचर को अपॉइंट करा है उन ऑनर ने, तो वो उस सब्जेक्ट से हटके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाता है जिसके लिए ऑलरेडी एक टीचर अपॉइंट है, समझ पा रहे। तो वो जो अपना रेमुनरेशन है, या वो अपना जो कंसिडरेशन है, पर्टिकुलर कंसिडरेशन अपन वर्ड यूज करें, तो वो कंसिडरेशन लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि ऑनर ने जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए उनको अपॉइंट करा था, ठीक है, ऑनर की यहाँ पे इच्छा यानी कि उनका जो ऑब्जेक्ट था, उनका जो इस वर्क को कंप्लीट करवाने का जो एक नजरिया था, वो अलग था कि वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अपॉइंट करवाना चाह रहे थे, पर उन्होंने क्या किया, उस सब्जेक्ट को छोड़ के पर्टिकुलर अपनी इच्छा से कोई भी तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो सैलरी ले रहे हैं या कंसिडरेशन यहाँ पे लेने के ये है कि भाई कंसिडरेशन मुझे चाहिए, तो वो कंसिडरेशन उनको बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले जो कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर की फॉर्म में कंप्लीट होना चाहिए, कि प्रोमिसर ने स्टार्टिंग में जिस तरीके का ऑब्जेक्ट वगैरह रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपका कंसिडरेशन हो। गुड मॉर्निंग निकिता, ठीक है। सेकंड, जहां जहां प्रॉब्लम आए पहले ही बताते जाना, बहुत ही इजी इजी बता रही हूँ। आपकी बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा सा पॉइंट लिख रखा है, ठीक है, जो जो बता रही हूँ एक बार वो पॉइंट ध्यान में रखेंगे, 3 से 4 बता दूंगी, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो भी कंसिडरेशन हो, ठीक है, उससे प्रोमिसर को हमेशा प्रॉफिट हो, ठीक है। क्या कहा गया है कि भी जो भी कंसिडरेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि प्रोमिसर को हमेशा उस चीज से प्रॉफिट हो। अगर किसी भी इस तरीके की बिजनेस डील में अगर प्रोमिसर को यहाँ पे मतलब प्रॉफिट नहीं ही भी हो रहा है, तो भी वो कंसिडरेशन की फॉर्म में कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ये चाह रहे हो कि भी कोई भी बिजनेस डील आपके और मेरे बीच में हुई है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस आपके और मेरे बीच में हुई है। अब मान लीजिए कि कंसिडरेशन वहां पे ये है, मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, बदले में पर्टिकुलर जो भी पैसा है, ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स का, इसके अकॉर्डिंग अपन ये भी देख सकते हैं कि कोई भी बिजनेस डील में एज ए पार्टनर अपन दोनों मतलब कहीं भी एज ए बिजनेस डील को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर मान लीजिए किसी बार मेरे मुझे नहीं हो रहा पर्टिकुलर और आपको हो रहा है, तो उस फॉर्म में जरूरी नहीं है कि भाई मुझे हर बार प्रॉफिट होगा तभी मैं उसको कंसिडरेशन फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व करूंगी, ठीक है। कंसिडरेशन तो मेरे लिए यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर्म दो है, कि एक तो मैं ये देखती हूँ कि भी मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। यहाँ पे उस चीज को इग्नोर ना करें कि आपको जो पर्टिकुलर आपने गुड्स डिलीवर कराया उसके बदले में तो आपको पैसा मिल रहा है, तो वो भी एज ए कंसिडरेशन फॉर्म ही इन्वॉल्व करी जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं है, दो चीज मैंने बताई है। सबसे पहले तो अपने डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करने के बाद में ये देखा था कि भी कंसिडरेशन फॉर्म जो है वो पास्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती है। ड्यू रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब वो प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा तब वो कंसिडरेशन फॉर्म उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया था कि भी प्रोमिसर जो है, प्रोमिसर की यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंसिडरेशन है वो डिसाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। उसके बाद में जस्ट मैंने बताया है कि जो भी कंसिडरेशन है
वो प्रोमिसर हमेशा नहीं कि जो भी कंसिडरेशन बिजनेस में अपन इन्वॉल्व करने जा रहे हैं उससे हमेशा एक प्रोमिसर को हमेशा हर जगह पे प्रॉफिट हो। अगर विदाउट प्रॉफिट भी कंसिडरेशन बिजनेस डील करी जा रही है तो वो वैलिड ही मानी जाएगी। इसके बाद में ये कह रहे हैं आपकी बुक में ही दे रखा है कि भी कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या कह रखा है भाई, ये कह रहे हैं कि जो कंसिडरेशन है ठीक है वो प्रोमिजी, अब यहाँ पे एक था प्रोमिजर, अभी तक जो बात करी अपने प्रोमिजर करा, अभी यहाँ पे प्रोमिजी, तो प्रोमिजी या थर्ड पार्टी भी दे सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोमिजी जो है वही कंसिडरेशन दे। प्रोमिजी की अगर मतलब बिजनेस डील में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो वो भी कंसिडरेशन दे सकती है। ठीक है कि मान लीजिए जैसे कि आपकी और मेरे बीच में इस तरीके का, यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दे रखा है मैं वही बता देती हूँ कि एक मदर जो है ठीक है, एक मदर है उन्होंने और अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी डॉटर के नाम पे सारी कर दी। ठीक है, एक मदर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर के नाम पे रजिस्टर्ड कर दी। रजिस्टर कर दी तो जाहिर सी बात है भाई वैलिड तरीके से रजिस्टर्ड करी है उन्होंने। अब रजिस्टर करते टाइम उन्होंने ये बोला है कि पर मंथ आप अपने अंकल को, ठीक है पर्टिकुलर कोई होंगे फैमिली में, तो उन्होंने कहा है पर्टिकुलर आप अपने अंकल को पर मंथ 653 रुपीज देंगे। 653 पर्टिकुलर ये हो रखा है। ठीक है, ये केस हुआ था बहुत ही 1882 का केस है ये। ठीक है, 1882 का ये केस है एक, जिसमें कह रखा है कि भी रजिस्टर जब भी प्रॉपर्टी करी है तो उन्होंने अपने बेटे को ये कहा है कि आप अपने अंकल को पर मंथ और क्या देंगे, अपनी प्रॉपर्टी में से 653 रुपीज है वो पर मंथ देंगे। कुछ टाइम तक क्या किया है अभी डॉटर ने वो पैसा दिया है, उसके बाद में उन्होंने वो पैसा है वो देना बंद कर दिया। तो यहाँ कंसिडरेशन फॉर्म थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है। देखो कंसिडरेशन फॉर्म जो है जिनका पर्टिकुलर यहाँ पे प्रॉपर्टी था उन्होंने थर्ड पार्टी को सेकंड पार्टी को यहाँ पे डेलीगेट किया है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, और उसके बाद में और ये जो फॉर्म हो रहा है ये सेकंड और थर्ड पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लेने की जो उनके अंकल है वो बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है रजिस्टर्ड करी गई थी और उस टाइम साफ साफ लिखा गया था पर मंथ आपको 653 रुपीज जो है वो आपको इस प्रॉपर्टी में से, जब तक आप इस प्रॉपर्टी को काम में ले रहे हैं तब तक आप अपने अंकल को ये प्रॉपर्टी में से इतना पैसा देंगे हर महीने। तो अगर वो नहीं दे रही है ठीक है तो वो यहाँ पे वैलिड तरीके से केस भी कर सकते हैं। तीन चीजें मैंने बताई, इसके बाद में मेन मेन मैं आपको बता रही हूं एक एग्जाम्पल बताओ। इसके अलावा कुछ आ रहा है भाई दिमाग में कंसिडरेशन को लेके, बताओ फटाफट। क्या बोला गया, एक चीज ये कह रहे हैं कि कंसिडरेशन जो है ठीक है वो कंसिडरेशन थोड़ा बहुत होना जरूरी है, मतलब हमेशा ही जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है फुल कंसिडरेशन ही हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी है ठीक है वो 1 लाख रुपए में, जस्ट जो एग्जाम्पल अपन ने करा वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि गाड़ी है वो गाड़ी आपने क्या करी है भाई 1 लाख में यहाँ पे आपने परचेज करने की बात करी है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत करते 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 बार्गेनिंग जाते जाते और यहाँ पे जो फाइनल एक जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो 70,000 पे डिसाइड होता है कि भाई 70,000 है उसमें फाइनली ये गाड़ी अपन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि एक गाड़ी है वो 1 लाख से 70,000 मतलब कि 30,000 का लॉस जो जा रहा है उसको अपन कंसिडरेशन फॉर्म में इन्वॉल्व ना करें। ये कह रखा है कि कंसिडरेशन कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है तो भी वो वैलिड कहलाएगा। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आप ऐसे कुछ टाइम के लिए एक गाड़ी है उसको यूज कर रहे हैं काफी टाइम तक, तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ना कि कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये चीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व करी गई है। इसके अलावा कह रखा है कि भाई जो भी कंसिडरेशन वो एक्चुअल होना चाहिए, कंसिडरेशन जो भी फॉर्म है वो कंसिडरेशन फॉर्म एक्चुअल होनी चाहिए। ये नहीं है कि अपन हवा में कोई भी बातें कर रहे हैं और अपन कह रहे हैं कि भाई मैं इतने रुपए दे दूंगा, आप मुझे गाड़ी दे दीजिए मैं इतने रुपए दे दूंगा, तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाता। ठीक है, अगर इस तरीके के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपन कर रहे हैं एग्रीमेंट अपन कर रहे हैं तो वो वॉइड है और साथ ही साथ क्या है इनफॉर्मल कैटेगरी में है। फॉर्मल तरीके से अगर कोई बिजनेस डील कंप्लीट करी जा रही है तो
तो उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जिसके अंदर कंसिडरेशन फॉर्म कंपलसरी है, रिक्वायर है, तो वो चीज अपन नेगलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग राहुल, एक बात बताओ भाई, ये हर क्लास में होता है या फिर पर्टिकुलर इसी क्लास में होता है कि धीरे धीरे मतलब चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। बताओ भाई, सबसे पहले सीमा आए थे, उसके बाद गगन आए थे, बाकी सभी 15 15 मिनट, तो ये पर्टिकुलर सी क्लास का है या फिर हर क्लास में यही होता है? ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सब क्लास में होता है, तो ये क्या? वाह भाई, क्लास क्या लेते हो फिर तो, क्लास क्या ले रहे हो, ये तो बहुत बड़ा मतलब। जी आप भी 5 मिनट लेट पर आ गए थे, ठीक है, इतना लेट लेट भाई, किन चुन के 2 3 तो क्लास होती है, उसमें भी लेट लेट पहुंचते हो, 15 15 20 मिनट, 20 20 मिनट लेट। ये क्या बचे हुए हो अभी कि टेस्ट वगैरह हो नहीं पा रहे, ये इस तरीके से किसी दिन टेस्ट वगैरह हो गया तो सोचो क्या लिख के आओगे उसके अंदर, आपको भी पता है, मुझे तो बहुत ही अच्छे से पता है क्या लिख के आओगे, आप लोगों को भी पता है क्या लिख के आओगे। जी नहीं, ये राहुल आपके लिए पर्टिकुलर नहीं, ये मतलब ये मैं देखती रहती हूँ कि लेट 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 पहुंच रहे हैं, 9 o'clock का टाइम है क्लास, मैंने पहले भी बोला है कि मैं लॉक कर लूंगी, तो फिर विदाउट परमिशन तो आप इंटर कर ही नहीं पाओगे, ये लेट लेट ही चलता रहता है। यहाँ पे देखो, मैंने ये बोला था ना कि कंसिडरेशन जो है एक्चुअल कंसिडरेशन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ये चीज पहले अपन ने डिस्कस करी है। इम्पॉसिबल वर्ड भी यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं कि अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, जो भी कंसिडरेशन है वो ओपनली अपन डिस्कस करके और उस चीज को कंप्लीट करें, ठीक है। जी दूसरी चीज क्या बोल रखी है इसमें, कंसिडरेशन जो है वैलिड होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, ये चीज भी अपन इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कह रखा है भाई, मान लीजिए, एक सेकंड आप मैसेज करके बताइए कि क्लास अभी सही चल रही है या फिर बीच में रुकी है, मेरे यहां से कुछ शो नहीं हो रहा। बताइए फटाफट, मेरे यहाँ से बिल्कुल ये में अपने आप ही लॉग आउट हो गई। अब बताइए, सेम पहले भी यही था, इसमें अभी फिर प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे इधर से स्मूथली नहीं हो रहा ना वर्क। ठीक है, ओके, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अब एक चीज देखिएगा इसके अंदर कि
मान लीजिए आप और मैं एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके का कंसिडरेशन दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी यशराज की कोई भी एक फर्म है, अपन सब उसके अंदर पार्टनर है। अब यशराज क्या कहते हैं, यशराज तो एक पर्सन है वहां पे, और अपन पार्टनरशिप में उस प्रॉफिट को बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अपन ने गुड सप्लाई करा है यशराज को, और यशराज ने बदले में क्या कर दिया भाई, 5 लाख का जो पेमेंट है, 5 लाख का जो पेमेंट है वो एक साथ दे दिया कि मैम आप सब इसको क्या कर लो भाई, डिवाइड कर लो, तो मैं इजिली कर पाऊंगी। अब यशराज ने कंसिडरेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का दे दिया, कोई प्राइज दे दिया, ठीक है, कोई भी मतलब हार्ड कैश नहीं देगी, कोई भी प्राइज दे दिया। अब उस प्राइज को 5 या 7 हिस्सों में मैं कैसे डिवाइड करूं, समझ पा रहे हो कि कंसिडरेशन उस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें इजीली वो डिवाइड हो सके, अगर आप पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो या फिर आपके साथ बहुत सारे मेंबर्स हैं वो भी उस पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है इस कंसिडरेशन में। साथ ही साथ बोला गया है कि सर्टन होना चाहिए कंसिडरेशन, ये नहीं है कि कल दे दूंगा परसों दे दूंगा या दे ही नहीं रहा या फिर मतलब अनडिसाइडेड है या फिर आगे जाके अपन डिसाइड कर रहे हैं, ये सब कंसिडरेशन फॉर्म में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब बताइए, रुकी हुई है क्या क्लास, उनको प्रॉब्लम आ रहा है, गगन को फटाफट बताओ, गगन अभी लॉग आउट भी हो गए। अमन, अमन प्रॉब्लम आ रही है क्या? जी अभी बताइए, जितने भी मैंने इसके अंदर बताए हैं, एक ही अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज फुल्ली वॉइड, ठीक है, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करना। कंसिडरेशन में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन वगैरह सब अपन करते हैं, ठीक है, तो फटाफट देख लीजिएगा उसके बाद में बताना। सबसे पहले कंसिडरेशन डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करने के बाद में, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों फॉर्म में हो सकता है। साथ ही साथ कंसिडरेशन के लिए मैंने बताया है कि प्रोमिसर की, ठीक है, प्रोमिसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कंसिडरेशन। उसके बाद मैंने बताया है कि कंसिडरेशन से जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोमिसर को खुद को प्रॉफिट हो। उसके बाद में कंसिडरेशन प्रोमिजी और थर्ड पार्टी दोनों ही दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडरेशन, ये प्रेजेंट फ्यूचर वाला पढ़ ही लिया अपन ने, कुछ कंसिडरेशन जरूरी है, ठीक है, कंप्लीट कंसिडरेशन नहीं भी हो तो चल जाता है। फिर कंसिडरेशन एक्चुअल होना चाहिए, कभी भी कंसिडरेशन अनसर्टेन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वैलिड होना चाहिए, वैलिड के बाद में बोला है कि कंसिडरेशन डिवाइड हो इस तरीके की फॉर्म में, कंप्लीट हो, ठीक है, सर्टेन हो और पॉसिबल हो। अरे क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई, अपन ये आधे टाइम तो आप ही नहीं, मैं यहां से तो शो हो रही हूँ सीमा, हाँ यहां से तो मैं शो हो रही हूँ। अब आगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बताएं, बताओ। आ गए, वेरी गुड, चलो मैम तो यही है, कहीं नहीं गई, ठीक है। तो मैंने जो अभी जस्ट बताई जितनी भी कंसिडरेशन से रिलेटेड दोबारा जो रिपीट करा है वो सुना आपको, वो जो मैंने बताया अभी वो सुना सारा, बताओ फटाफट बताओ, बहुत ही स्लो स्लो चल रही है क्लास। फटाफट बताओ फटाफट, सीमा जो जस्ट बताया रिपीट किया है वो सारा समझ आया, सुना आपको, रिपीट करूं, ठीक है, सुनिएगा एक बारी। सबसे
सबसे पहले कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करी, उसके बाद में मैंने पॉइंट बताया था कि कंसिडरेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों फॉर्म में अपन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बताया था कंसिडरेशन प्रोमिसर के ऑब्जेक्ट और प्रोमिसर की अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो जस्ट मैंने डेफिनेशन आपको बताया था एग्जाम्पल, टीचर वाला जो एग्जाम्पल है वो इसमें अपन इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में कंसिडरेशन से हमेशा प्रोमिसर को खुद को, ठीक है, एक इंडिविजुअल प्रॉफिट हो, जरूरी नहीं है तो भी कंसिडरेशन फॉर्म में इन्वॉल्व करा जाएगा। उसके बाद में कंसिडरेशन प्रोमिस या थर्ड पार्टी कोई भी दोनों में से दे सकता है। फिर मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला हो गया है। फिर कंसिडरेशन कंप्लीट नहीं हो तो भी चलेगा, एक थोड़ा बहुत कंसिडरेशन जहाँ पे एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है तो एग्रीमेंट वैलिड बनी जाता है। उसके बाद में कंसिडरेशन एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंसिव फॉर्म में भी होना चाहिए कि भी कैश वगैरह की फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद में इम्पॉसिबल नहीं हो, अनसर्टेन नहीं हो, वैलिड हो, ठीक है, वैलिड के बाद में, और डिवाइड अपन कर सके इंडिविजुअल अपने अपने पार्ट में, जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप वाला एग्जाम्पल, तो वो भी कंसिडरेशन में जरूरी है। फिर सर्टेन होना जरूरी है और साथ ही साथ पॉसिबल होना जरूरी है, ये फॉर्म कंसिडरेशन में अपन इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है, ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, थोड़ा बहुत बता रखा है। जी अब देखिएगा, इसके नेक्स्ट जो अपने को पॉइंट दे रखा है वो है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन, ठीक है। तो अपने को ये नहीं बताया गया कि भी लीगलिटी और कंसिडरेशन जो है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व, अपने को ये बताना है कि भी कौन कौन सी ऐसी फॉर्म है जिनको अपन हटा दे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें लीगलिटी और कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक ये कह रही है कि कोई भी एग्रीमेंट इलीगल तब माना जाएगा जब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो भी अपना लॉ है जिसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन बिल्कुल फॉरबिड करे गए हैं, अगर अपन उनका यूज करते हैं तो सबसे पहले वो चीज अपने सामने क्या कहलाएगी, इलीगल, ठीक है। ये जो अपना लीगल प्रोविजन है इसमें अपने को ये बताना है कि भी कौन कौन सी चीजों को अपन हटा देंगे तो अपन लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन की फॉर्म में इन्वॉल्व माने जाएंगे, ठीक है। जहां भी समझ नहीं आए, मीनिंग भी समझ नहीं आए तो फटाफट टाइप कर देगा, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ाने के बाद फिर बीच में बोलो। सबसे पहले कोई भी ऐसा एक एग्रीमेंट जो कि फॉरबिड बाय लॉ है, ठीक है, वो अपन नहीं करें। उसके बाद में फ्रॉड वाले जितने भी एग्रीमेंट है अगर वो कंप्लीट, देखो अपन ने पढ़ा था कि भाई अपन फ्री कंसेंट है, तो फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी, जब उसके अंदर, और सबसे पहली चीज अपने सामने आया था कौन सा, कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कंसेंट है वो फ्री कंसेंट पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है कि एक लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन कब वैलिड माना जाएगा, जब उसके अंदर कोई भी अपन फ्रॉड वाला काम नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर रहे जो कि लॉ के अंदर फॉरबिड करा गया है। साथ ही साथ ऐसा कोई भी वर्क नहीं करना जिससे कि क्या हो भाई, कोई भी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को लॉस हो, साफ साफ मेंशन करा गया है इसमें कि ये चीज अपने को कभी भी नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें बोला गया है, इफ इट इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, किसी की भी प्रॉपर्टी को अपन लॉस में ले जाए या फिर खुद सेकंड पार्टी को अपन लॉस में लेके जाए, या फिर कोई भी एक ऐसा काम जो कि इमोरल हो, ठीक है, अनैतिक हो, जिसको हिंदी में अपन कह सकते हैं इमोरल जो है, वो वर्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा गया है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन है, मतलब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट अपन करते हैं अपने, मतलब अपन ये कह सकते हैं अपन अपने नेशन के लिए, मान लीजिए पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो ये सब चीजें भी अपन ना करें, तो वो सारे जो एग्रीमेंट है ये सबसे इजी है जो अपन पढ़ रहे हैं, लीगलिटी ऑफ लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन। मान लीजिए 2 नंबर में आपसे पूछ ले या 4 नंबर में पूछ ले, 4 नंबर में पूछ ले तो बहुत ही बढ़िया है, 4 नंबर एकदम फ्री के से नंबर मिलेंगे आपको, 4 लाइनें आपको लिखनी है, क्या क्या लिखना है, सबसे पहले कि कोई भी एक ऐसा वर्क जो कि फॉरबिड है लॉ के अंदर, ठीक है, दूसरा इमोरल वर्क नहीं करना, उसके बाद में अपने को कहा गया है कि फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो कंप्लीट अपन ना करें, ठीक है।
इलीगल वर्क वगैरह अपन कंप्लीट ना करें। साथ ही साथ बोला गया है सोशल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, या इकोनॉमिक जो अपना नेशन से रिलेटेड है, कोई भी इस तरीके की गलत जो वर्क वगैरह है, ठीक है, वो अपन कंप्लीट ना करें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपन लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन के अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? ये जो चैप्टर करवा रही हूँ ना, ये इसीलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा देख लोगे ना, और फिर अगर आ रहा है क्वेश्चन तो फिर लिख पाओगे। सिर्फ दो दो तीन तीन लाइनें आपसे लिखने के लिए बोली जाएगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बताओ, फटाफट बताओ। फॉरबिड यानी कि बिल्कुल जो वर्जित है। क्या बोला गया है? मैम फॉरबिड बाय लॉ एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है कि फॉरबिड बाय लॉ यानी कि जो बिल्कुल, क्या बोला गया है, जो कि बिल्कुल साफ साफ लॉ के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन जो होती है ना, ये कहा जाता है कि भाई बहुत सारे रूल रेगुलेशन बिल्कुल डिसाइड है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी की अपन बात करते हैं सीमा, तो कंपनी में क्या कहा जाता है अभी कि गवर्नमेंट कंपनी जिसको अपन पब्लिक कंपनी कहते हैं, 11th में पढ़ के आए हो, उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं कि भी मिनिमम मेंबर आपको 7 रखने हैं, मैक्सिमम आपको कितने रखने हैं, मतलब सॉरी मिनिमम उसके अंदर 2 से अपन कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक और इसके अंदर दोनों में डिसाइड कर रखा है कि 2 होता है, 7 होता है, उसमें 200 का दे रखा है, उसमें अनलिमिटेड है, इस तरीके का अपने को बता रखा है। मान लीजिए कोई भी पब्लिक कंपनी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, दोनों का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब साफ साफ कह रखा है कि कंपनी एक्ट 2013 या उससे रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन है एक कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा, वो कंपनी की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो पाएगी? अपन ने पीछे यही तो पढ़ा था 11th के अंदर कि इस तरीके के रूल रेगुलेशन जितने भी होते हैं बाउंड होती है कंपनी, ठीक है, इन सबको फॉलो करने के लिए। वैसे ही लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करवा रहे हैं उसमें कुछ रूल रेगुलेशन आपके लिए सभी को इक्वली फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉरबिड बाय लॉ का मतलब क्या है? कोई भी ऐसे वर्क, ठीक है, जिससे क्या हो, जो कि साफ साफ ये मेंशन करा गया है कि इंडियन लॉ में इन वर्क को कंप्लीट कर ही नहीं सकते आप, अगर वो चीज अपन कर रही है तो वो फॉरबिड बाय लॉ है, ठीक है, कि जो भी वर्क है वो बिल्कुल वर्जित है, नहीं कर सकते आप, वो चीज अपन कर रहे हैं तो वो इसके अंदर मेंशन करना। अब बताइए, फटाफट बताओ। इसके बाद में जो अपना है वो है वॉइड एग्रीमेंट। बहुत ही इजी है, जो पहले बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अमन गगन, सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट मोस्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड ही आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट अगर 4 नंबर में 2 नंबर में पूछते हैं तो बहुत बारी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। इसको अपन मोस्ट, और बहुत इजी है, देखिएगा बहुत ज्यादा इजी है वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लो माइंड में, बिल्कुल लेके जाओ कि वॉइड एग्रीमेंट के लिए अपन ने क्या कहा था। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लो है वो क्या नहीं करवा सकता भाई, कन्वर्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। वो हुआ अपना कौन सा? वॉइड एग्रीमेंट। यही तो अपन ने पढ़ा था, क्योंकि क्या होता है भाई, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मान लीजिए पार्टीज के अंदर, या बहुत सारे इस तरीके के रीजंस होते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, उनमें क्या नहीं है भाई, अपन ने पढ़ा था कि भाई मतलब पार्टीज जो है वो माइनर होने चाहिए, ठीक है, वैलिड तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीजें अपन ने पढ़े थे। इसके अलावा मैंने ये बताया था आपको, थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, कि इम्पॉसिबल टास्क होते हैं काफी सारे। जैसे कि मान लीजिए अपन ने आपस में क्या कर ली भाई, कोई भी इस तरीके का कंडीशन अप्लाई कर दी, उस कंडीशन में अपन ने ये कर रखा है कि भाई मतलब कोई भी शर्त अपन लगा लेते हैं। मैंने बताया था ये एग्जांपल आपको, शर्त लगाने वाला वॉइड एग्रीमेंट क्या कहा जाएगा? सीमा क्या कह रहे हो?
बताओ बताओ, डेफिनेशन मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो, ये बताओ। मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मीनिंग बताया कि कोई भी एक ऐसा मतलब वॉइड एग्रीमेंट अपन उसको कहते हैं जो क्या हो सकता है भाई। देखो आपकी बुक क्या कह रही है भाई, वॉइड एग्रीमेंट में साफ साफ ये कह रखा है ना कि मतलब कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, जो कि लॉ है उसको इन्फोर्सिबल, ठीक है, चेंज नहीं करवा सकता। वही तो अपन ने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, गगन याद है क्या थोड़ा बहुत? भाई भूलो मत, ऐसे भूलते जाओगे तो कैसे चलेगा। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है वो होगा अपना वॉइड एग्रीमेंट। सीमा अब याद आया, देखो एक एक बारी सिर्फ नाम नाम लेके बता रही हूँ, थोड़ा बहुत याद आ जाए तो देखिएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, देखो पहला तो ये है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी जिन पार्टीज के अंदर नहीं रहती वो। दूसरा ये कैसा कह रखा है अपन ने कि मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है और विदाउट कंसिडरेशन के जितने भी एग्रीमेंट है। इसके अलावा अपन बिल्कुल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि भी मैरिज वगैरह की जो भी है, जैसे कि मान लीजिए मैरिज वगैरह की जो भी एग्रीमेंट है, ठीक है, और जो कि लीगल नहीं है वो भी अपन इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे वॉइड एग्रीमेंट के अंदर। सिर्फ ये बता दीजिए कि जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े सब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना सा याद रखो कि भाई जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने पीछे पढ़ाए हैं, जितनी भी डेफिनेशन अपन ने पीछे पढ़ी, जितनी भी बार अपन डिस्कस करा, उसके अंदर वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आ रहे हैं? एक तो माइनर वाला आ रहा होगा, बिल्कुल माइनर वाला एग्जाम्पल आ रहा होगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट माइंड में आ रहे हैं जो कि वॉइड है? सिर्फ ये बात ध्यान रख लो। जी, जिसके माइंड में से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट अगर आ रहा है तो वो फटाफट बताओ। अपन ने ये करा था भी अनसर्टेन मीनिंग वाला करा था, ठीक है, कि मतलब जरूरी नहीं है जैसे कि एक शर्त वगैरह लगाना, ठीक है, कि बारिश बादल है, ठीक है, और बारिश होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा वैगनिंग वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट आपकी बुक में, अब की बार जो नई बुक है उसके अंदर वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग से कह रखा है। वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट अपने को क्या कह रहा है भाई? वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए कोई भी मतलब इलेक्शन वगैरह हो रही है, ये थोड़ा सा आगे अपन पढ़ेंगे। वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट पहले इसी में इन्वॉल्व था वॉइड एग्रीमेंट के अंदर, एग्जाम्पल आज भी आप ले सकते हो, जबकि अलग से एक वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट और भी बोला गया है। ऑब्जेक्ट इज इनलीगल। जी और बताइए संदीप। या तो ये है कि पीछे वाला जो है वो भूल गए हो, सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ कि भाई क्या क्या चीजें। सबसे पहले गगन ने बोला है कि ऑब्जेक्ट इज इलीगल, बिल्कुल सही है। सीमा कह रहे हैं मैं फ्री कंसेंट नहीं होती, सोशल और पॉलिटिकल से रिलेटेड भी अपन, बिल्कुल सही है सीमा। इसके अलावा ठीक है मैंने बता दिया कि भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं हो वो भी, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है तो भी अपन नहीं मानेंगे, वॉइड एग्रीमेंट ही हो जाएगा। इसके अलावा कंसिडरेशन मिसिंग है, ठीक है, तो भी अपन किस में इन्वॉल्व कर लेंगे, तो भी अपन जो अपने कॉन्ट्रैक्ट है उसी में अपन इन्वॉल्व करेंगे वॉइड एग्रीमेंट में, ठीक है। इसके अलावा मैरिज वगैरह जो कि क्या है, मान लीजिए कि 18 ईयर्स से 21 ईयर्स से कम जो है वो भी अपन किस में इन्वॉल्व कर लेंगे, वो अपन वॉइड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व कर लेंगे। ट्रेड वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड क्या है, एक फिक्स पॉलिसी रखी गई है कि इस डेट तक मैं आपको इतना पेमेंट है वो डालूंगा, ठीक है, आपके मतलब जो भी वो है अकाउंट वगैरह में, जिस तरीके से भी आपका पेमेंट होता है, और आप बदले में क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस डील को इस टाइम तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, और फिर वो ट्रेड से रिलेटेड अपन इसको मेंशन कर सकते हैं।
और संदीप क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट विद मिस्टेक, बिल्कुल गलती के आधार पे भी जो होते हैं वो भी अपन इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एक अच्छा सा एग्जाम्पल जिससे और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, अगर किसी भी स्टूडेंट को याद हो तो उस एग्जाम्पल में मैंने आपको ये कहा था कि भी मान लीजिए कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड नहीं है। उस ऑब्जेक्ट में डिसाइड क्या नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ सीमा कि मैं आपको मेरी कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग है, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है, वो 5,000 में बेच दूंगी या 7,000 में या 10,000 में। तीन चीजें मैंने यहाँ पे रखी, तो यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है या अमाउंट के बिहाफ पे अपन कह सकते हैं कि वो सर्टेन नहीं है, उसमें कुछ भी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो वो वॉइड एग्रीमेंट है कि आप किस बिहाफ पे मेरे साथ एग्रीमेंट करेंगे, 5,000 के बिहाफ पे करोगे कि 7,000 या फिर 10,000, तीनों में से एक भी चीज मेरी परफेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वेगरिंग वाला तो अपन कर लेंगे, इम्पॉसिबल टास्क वाला मैंने बताया था कि काफी सारे होते हैं ना कि भाई जादू से खजाना ढूंढ के ले आओ या फिर बादल है बारिश हो जाएगी, इस तरीके की जो अनसर्टेन इम्पॉसिबल एक्ट हैं जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाते, ये सिर्फ कहने के लिए या सुनने के लिए सब चीजें अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो सब चीजें किसके अंदर, आप वैलिड तरीके से। अब आप ये बताओ, कोई भी आप इस तरीके का मैजिकल शो वगैरह देखने के लिए जाते हो, ठीक है, आप बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है तो खुद ही कंफ्यूज है अपने डिसीजन को लेके। अब ये बताओ, आप कोई भी मैजिकल शो वगैरह देखने के लिए जाते हो, अगर वो एक्चुअल में रियलिटी में आपके साथ होता है कि वो आपको कहते हैं भाई आप मुझे 10,000 रुपीज दे दो, इससे मैं चेंज करके आपको इतने कॉइन बना के दूंगा या इसके बदले में आपको जो भी चाहिए वो चीज दूंगा, तो क्या आप 10,000 रियल में एक्चुअल में देने के लिए रेडी हो जाते हैं क्या, या हाँ या फिर ना, यस और नो, वो बताइए। इस तरीके के जो भी एक्ट होते हैं ये सिर्फ सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। एग्रीमेंट जब आप करना चाहोगे ना, ठीक है, जब आपके खुद के पैसे लग रहे हो और आप ये चाहोगे कि भी एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट आप कभी भी नहीं करोगे, तो ये हुआ इम्पॉसिबल एक्ट, तो वो भी अपन वॉइड एग्रीमेंट पे इन्वॉल्व करेंगे। या फिर इस तरीके के कि मैरिज वगैरह से रिलेटेड होते हैं ना कि भाई फ्यूचर में आप ये कह के छोड़ दे रहे हो, जैसे मैरिज वगैरह में होता है। अब मैरिज वगैरह में क्या होता है, भाई एंगेजमेंट करी जाती है या फिर मैरिज वगैरह के रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज पहले फॉलो करी जाती है, ठीक है। अब ये कह दिया जाता है कि भाई जैसे मान लो कि कोई भी एक अपन मैरिज वगैरह के से रिलेटेड कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो बताना, जिसमें क्या कहा गया भाई, कोई भी एंगेजमेंट वगैरह नहीं है, कुछ भी ऐसा वैलिड नहीं है, ना कुछ लेन देन हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, बिटवीन कोई भी इस तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ना वो मनी के फॉर्म में हुआ है, ना ही वो कुछ ज्वेलरी वगैरह के फॉर्म में हुआ है, सिर्फ ये कहा गया है कि भाई इन फ्यूचर हम शादी कर लेंगे। अब इन फ्यूचर शादी कर लेंगे कह के, ठीक है, और क्या कोई भी फैमिली है वो इस तरीके का बिलीव या ट्रस्ट कर सकती है, बताइए कि इन फ्यूचर हम शादी कर लेंगे, सिर्फ इतनी सी चीज को कह के अपनी इंडियन वेडिंग जो होती है उसमें आप ट्रस्ट कर लेंगे क्या? नहीं, कोई भी नहीं करता, स्पेशली जो गर्ल्स साइड है वो तो बिल्कुल नहीं करती इस चीज को लेके, ठीक है। एक वैलिड तरीके से सब काम सिस्टम से होंगे तभी अगली पार्टी के ऊपर अपना ट्रस्ट है वो बन पाएगा। तो ये कह रखा है कि मैरिज वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं जिसमें वॉइड एग्रीमेंट अपन बना सकते हैं, बिल्कुल। तो कितने सारे अपन ने एग्जांपल लिए हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वॉइड एग्रीमेंट में अपन ने क्या क्या इन्वॉल्व करा है, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जिनको इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता, ठीक है, जो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकते, लॉ है उनको इजीली कन्वर्ट नहीं करवा सकता, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाला, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में कोई भी मान लीजिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसके अलावा कोई भी एक ऐसे एग्रीमेंट जो कि मैरिज वगैरह से रिलेटेड है, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड भी अपन मान सकते हैं, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड के साथ साथ, और अपन ने यहाँ पे अनसर्टेन मीनिंग वाले एग्जाम्पल देखे, अनसर्टेन मीनिंग वाले एग्जाम्पल के बाद इम्पॉसिबल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल एक्ट वाली, ये सभी एग्जाम्पल जो है, बिल्कुल, ये सभी एग्जाम्पल जो है वो अपन किस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो अपन
वॉइड एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब तो ऐसा मान लो आ जाता है गगन, यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम में ये आ जाता है 2 नंबर के अंदर, मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि भाई आप लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट बता दीजिए, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई लीगल प्रोविजन तो अपने पढ़े ही नहीं थे। लीगल प्रोविजन मतलब उससे रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन है, ठीक है, वो ही अपने को इसमें लिखने हैं। वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो जो माइंड के अंदर बातें आती हैं वो सब वहां पे मेंशन कर देना, कभी भी गलत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। आई होप इतना समझ आया होगा। जी, अब देखो नेक्स्ट आपकी बुक में एक नया सा टॉपिक दे रखा है, वो है वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इजीली, कुछ भी अलग नहीं है, वैगरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। पहले या फिर अपन बात करें कि आपकी बुक में पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था, पीछे जिस जिनके पास भी बुक है पुरानी, तो यशराज के पास है, वो देख पाएंगे सीमा। तो इनमें क्या होता है, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया भी, जैसे मान लीजिए कि लॉटरी वगैरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉटरी वगैरह सिस्टम वगैरह के जितने भी एग्रीमेंट है, जो कि क्या कहते हैं भाई, अगर होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे कि हॉर्स रेस वगैरह के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं वो पैसा लगाते हैं, वो भी अपन वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग आप कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। चिट फंड वगैरह में बहुत सारे लोग हैं वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर कंपटीशन वगैरह बहुत सारे होते हैं इसके अंदर भी। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में भी लोग पैसा अपना इन्वॉल्व करते हैं, तो वो भी वैगरिंग के कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, और अगर आपका पैसा आपके पास थोड़ा सा, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार एग्जांपल साइड में कर दो, बाकी चिट फंड वगैरह हुए या फिर हॉर्स राइड हॉर्स रेस वगैरह कंपटीशन हुए या फिर लॉटरी वगैरह हुआ, तो ये कह रखा है कि अगर आपका मतलब यहाँ पे किस्मत है वो अच्छी है तो आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा सा अटपटा सा है, काफी बारी पूछ लेते हैं यहाँ पे आपसे कि भाई वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट को समझा दो। तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट पहली चीज तो ये किसमें इन्वॉल्व होगा, वॉइड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होगा, कभी भी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब की बार आपकी बुक में अलग से मेंशन कर दिया, पिछली बार तक कोई मतलब नहीं था। लॉ की बुक है वो आज भी यही कहती है कि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर ही इन्वॉल्व है, लॉ ने अलग से इसका कोई एक्ट है वो बनाया ही नहीं है, पहली चीज ये। अब जब वैगरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जो जस्ट अपन ने अभी पढ़ा है 1 मिनट पहले ही, क्या कह रखा है कि कोई भी इलेक्शन है, इलेक्शन में ये कह रखा है कि एक पार्टी ये कह रही है कि अगर मैं जीत जाता हूं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आपसे प्रॉमिस करे जाते हैं कि हम आपकी वाटर जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है या फिर रोड फैसिलिटी है वो बड़ी प्रॉपर करवा देंगे, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है, ठीक है, या फिर फ्री हम आपको जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी है, लेडीज के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उनमें बड़ा अच्छा करवा देंगे, ये सब प्रॉमिसेस चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, ठीक है, बहुत अच्छे से करे जाते हैं। जैसे कि आज ही हुआ है, बहुत सारी अब देखो वैकेंसीज वगैरह हैं, बहुत सारी अभी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कह रखा है, बहुत से प्रॉमिसेज इस तरीके से कंप्लीट अपने को करवाने हैं कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं आपके ये सारे प्रॉमिसेज कंप्लीट करूंगा, ये अपने को कहा जाता है। अब अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन में तो वो प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज तो इस एग्रीमेंट का या जितने भी उन्होंने प्रॉमिसेस करे हैं क्या इन सब का कोई मतलब रहा है, इन सब का कोई भी मतलब नहीं रहा। हॉर्स राइडिंग में पैसे लगाते हो, ठीक है, मान ले आप, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज है वो हॉर्स राइडिंग में चिट फंड में लगाए, कंपटीशन वगैरह में लगाए, लॉटरी वगैरह में आपने इन्वेस्ट करा, तो वो आपको आउटपुट कब मिलेगा, जब आप जीत जाओगे। अदरवाइज तो क्या होता है, अदरवाइज वो लॉटरी वगैरह के पैसे के आपको रिटर्न मिलते हैं, कभी भी नहीं मिलते। चिट फंड के पैसे कभी भी नहीं मिलते। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कह रहा है भाई, इंश्योरर कह रहा है, ठीक है, इंश्योर्ड कर रहा है कि अगर फ्यूचर में आपको लॉस होता है तो हम आपको रिटर्न देते हैं, तब हम आपको आउटपुट देते हैं, वो भी मनी के फॉर्म में नहीं दे रहे, ठीक है, जो भी आपका लॉस हुआ है हम उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज करने का काम करते हैं। तो वो सब वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जहां वर्ड यूज हो जाए समझ लेना कि किसके अंदर है,
जितने भी अपन ने वॉइड एग्रीमेंट पढ़े हैं उसी कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे, अदर से कुछ भी मीनिंग इसका नहीं है। ठीक है, यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले एक और कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट इससे पहले है क्या आपकी बुक में? कॉन्टिजेंट तो आई थिंक आगे आएगा। कॉन्टिजेंट कोई बात नहीं, अपन आगे पढ़ लेंगे इसके जस्ट बाद। जी, इसको हिंदी में कहा ही जाता है सीमा, जो हिंदी में इसका मीनिंग जो है ना वो कहते हैं बाजी के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाजी वर्ड यूज करा गया है, सट्टे वगैरह जो भी होते हैं बाजी वगैरह के जो है ना। ठीक है, अच्छा नई बुक में पहले है, कोई दिक्कत नहीं है गगन, इसको नेक्स्ट जो है उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जी सीमा वर्ड यहाँ पे ये यूज करा जाता है कि बाजी के ठहराव। ठीक है, अपन ने क्या करा है, अपनी किस्मत को यहाँ पे देखा है, अगर अपन पॉसिबल तरीके से प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो तो भी ठीक है। जी यहां तक बता दो। जी ठीक है, अब इसके बाद में अपने जो बचते हैं वो है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कॉन्टिजेंट में भी सेम क्या रखा है भाई, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छे जो इसके एग्जांपल अपन ले सकते हैं वो है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या नॉर्मल जो इंश्योरेंस वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी कॉन्टिजेंट में आते हैं। कॉन्टिजेंट कहता है कि भाई अगर होगा तो हम आपको इसका जो पेमेंट है वो क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट समथिंग इफ सम इवेंट, ठीक है, टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, कि अगर फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग आपके साथ होती है तो हम आपको इसका थोड़ा बहुत पैसा है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, वो भी किस फॉर्म में, वो भी आपको सर्विस फॉर्म में मिलेगा, आपको हार्ड कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास तो करते हैं कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। मुझे पता है ये भी थोड़ा बोरियत भरा है ये चैप्टर, और पर क्या होता है कि अगर नया कुछ भी टॉपिक इससे आता है तो ऐसा नहीं होगा कि भी लिख के नहीं आ सकते, वो चीज अपने को नहीं करनी। थोड़ा 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 पढ़ते जाएंगे ना। ये थोड़ा समझ सा, हाँ सेम सा, बिल्कुल बिल्कुल, ये ना सेम जैसे से ही है। इनके अंदर भी अपन ने क्या करा था, एक साफ साफ एग्जांपल दे रखा है कि जो बैंकिंग के कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें भी अपन इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी अपन, पर इसमें क्या हो रहा है, एक चीज थोड़ा दोनों में डिफरेंस देख लेना, जैसे चिट फंड वगैरह पे पैसा हुआ ये सब चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल है ना वो डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलर तीन ही एग्जाम्पल मेंशन होते हैं बार बार, कोई भी बुक के खोल के देखेंगे ना आप, चाहे लॉ के आप कोई भी बुक कोई भी सेक्शन में खोल के देख लो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, सॉरी, तो वहां पे अपने सामने इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिंपल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, या फिर अपने को कह रखा है भाई इससे रिलेटेड जितने भी मतलब इंडेमनिटी गारंटी और सिंपल गारंटी वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब जो है वो इन्वॉल्व करे गए हैं कॉन्टिजेंट के अंदर। टोटल का यशराज ये अभी कोई गाइडलाइन कंप्लीट आई नहीं है, ठीक है, आरबीएससी वैसे ही बहुत पीछे चल रहा है, सीबीएसई का ये बहुत पहले डिक्लेयर हो गया था, आरबीएससी का अभी तक कुछ आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगी गाइडलाइन आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर होगा तो भी लास्ट के कुछ टॉपिक्स वगैरह मैंने बार बार बताई है उनमें से कुछ डिडक्ट करेंगे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और रही एग्जाम्स वगैरह की, तो एग्जाम्स वगैरह के लिए भी भाई सीबीएसई ने कहा है अभी थोड़ा लेट होंगे,
और आरबीएससी का भी कुछ भी नहीं है। और आप तो ये रखो ना, अगर टाइम से हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सही बात है। अगर टाइम से हो जाते हैं तो एग्जाम्स मई तक जून तक एग्जाम होने का मतलब बहुत लंबा सेशन। जी ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। टेस्ट कैसे लूं? मैंने यशराज बोला था ना, वो देखा क्या आपने इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट? ग्रुप के अंदर अपने अपने आइडियाज जो हैं वो एक बार शेयर कर देना, ठीक है सीमा? गगन, अमन, निकिता, इशिता, जो भी यहाँ पे क्लास अटेंड करे, सीमा, सभी के बार अपने आइडियाज जो है वो एक बार ग्रुप में शेयर कर देना, कैसे अपन स्टार्ट करें।